सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप इसे यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके बाद दबा दीजिए नोटिफिकेशन बेल का आइकन, जिससे कि आप मेरे वीडियोस को लगातार देखते रहें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थानी गवार की फली की रेसिपी, जिसे कई लोग सेम की फली भी बोलते हैं। वेरी हेल्दी एंड क्विक वेजिटेबल रेसिपी। इसके लिए हम एक पैन में ऑयल ऐड कर लेंगे। 2 टेबल स्पून ऑयल मैंने ऐड किया है। और देखिए, ये है फली जिसे मैंने कट करके वॉश कर लिया है। और यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है जीरा और हल्दी। सॉरी, इसका मैं वीडियो लेना भूल गई, तो मैंने जीरा और हल्दी ऐड की है 1/2 टीस्पून। इसके बाद मैंने ऐड कर दी है गवार की फली, जो कि हमने इस तरह से काट ली थी। अब हम यहाँ पे सिर्फ सॉल्ट ऐड करेंगे सबसे पहले, क्योंकि इस फली को हमें थोड़ा सा पकाना है। ये सब्ज़ी मैं कुकर में भी बनाती हूँ यहाँ पे, लेकिन मैं आपको कढ़ाई में बताने जा रही हूँ, ताकि अच्छे से आपको ये सब्ज़ी दिख जाए कि कैसे मैंने इसको बनाई है। नमक अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम कैप से कवर कर देंगे और इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए, फली थोड़ी सी पक गई है। अब हम ऐड करेंगे मसाले। सबसे पहले कोरिएंडर पाउडर 2 टीस्पून एंड 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर। ये तीनों इंग्रेडिएंट्स हम ऐड कर लेंगे और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। फली में आप मसाला अच्छे से डालें, ताकि वो अच्छे से चटपटी बने। और इसे आप बच्चों को भी सर्व करें, बहुत फ़ायदेमंद होती है फली की सब्ज़ी। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि मसाला ऐड करने के बाद फली को हमें थोड़ा सा और पकाना है। और पानी ऐड करने से जो मसाला है वो कढ़ाई की चिपकेगा नहीं और फली भी अच्छे से पक जाएगी। तो यहाँ पे हम कैप से वापस से कवर कर देंगे और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो देखिए, इस तरह से फली की सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है टू सर्व। यू ऑल्सो ट्राई दिस रेसिपी एंड गिव मी योर फीडबैक। इफ़ यू लाइक देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, सी या विद द नेक्स्ट रेसिपी। बाय बाय।